बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई आपने ईद से पहले मेहंदी। बस आपा, ये कल हमारी फैमिली में इफ्तार थी तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो भी सीख रही है, तो उसने मुझे लगाई थी। बहुत प्यारी, नायाब नाम है उनका, बहुत प्यारी बच्ची है वो। आपा, हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। ओके, अब इसमें ये है ना साबुत गरम मसाला है, इसमें साबुत काली मिर्चे है, तेज पत्ता है, इलायची है जो नॉर्मल एक होता है। ठीक, तो ये हम अब पहले इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको लो फ्लेम भी रखा है कि एकदम से मसाला जलने न लगे आपका। अच्छा, सेकंड आपा, इसके अंदर ये चिकन दो प्याजा है, तो हमने थोड़ा सा आगे कर दें ताकि इस पे वो ना लगे। चलें, हाँ, दो तरह की हमने प्याज इसमें की हुई है, एक डाइस है, डाइस अनियन ये एंड में डलेगी, और एक स्लाइस अनियन है जो हम अभी इसकी ग्रेवी में ऐड। अच्छा, वो जो ऊपर से डालते हैं। हाँ, वो ये बिल्कुल एंड में, लास्ट 5 मिनट्स में हम इसको ऐड करेंगे। तो हमने सारा साबुत गरम मसाला जो है ऑयल के अंदर डाल दिया है, उसके अंदर जीरा है, तेज पत्ता है, लौंग है, काली मिर्चे हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, बादियान मुझे नहीं नजर आ रही इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बादियान डली हुई है। इसमें बस ये बेसिक जो और अब उसके अंदर इन्होंने प्याज डाल दिया है, इसे अच्छे से तेजी से फ्राई करेंगे। आई थिंक सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो जाए, फिर उसके बाद प्याज का जो है इसमें आपने कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। अच्छा, बस सिर्फ गोल्डन हल्का सा, व्हाइट का कलर चेंज, पिंकिश सा हो जाए। ओके, देन हम इसके अंदर चिकन और जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, जिंजर और गार्लिक पेस्ट चलेगी जी। पहले आप चिकन ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और देन जिंजर गार्लिक। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं। आज 19वां रोजा है, खैर से आज 19वें रोजे की इफ्तार की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये जो रोज़ा है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ से अशरा मगफरत भी जा रहा है, लेकिन ज़रबत अली है आज, और हज़रत अली पे वार हुआ था आज के दिन, वो लहू लहान कर दिए गए थे। इस दिन को ख़ास आप उन पे दुरूद व सलाम भेजिए, और जो कुछ भी पकाइए और किसी को खिलाएं तो प्लीज़ उसका सवाब, और हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते, ये हमारी सिर्फ एक मोहब्बत का असर ही है जो हम करने की कोशिश करते हैं। हमें तो पता नहीं चलता इतनी बड़ी हस्तियों के लिए हम क्या तोहफा भेज सकते हैं, या क्या किस तरह बताएं कि हमें उनसे मोहब्बत है। तो बस कोशिश यही करें कि जितना हो सकता है अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करें। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, रमज़ान हमारे हाथ से बस निकला जा रहा है, ये अशरा मगफरत के आखिरी, आज दूसरा, सेकेंड लास्ट डे है, कल 20वां रोज़ा है, और उसके बाद हम फिर अशरा नजात की तरफ चले जाएंगे, या उसमें दाखिल हो जाएंगे, यानी दोजख से आग से बचाव की लिए हम दुआ करेंगे। तो प्लीज़ अपने सबके लिए दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। हमने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताई हैं, क्विक रेसिपीज़ बताई हैं, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बताई हैं, तो मुझे मत भूलिएगा अपनी दुआओं में प्लीज़। अच्छा, और आजकल तो आपा वैसे भी बजट फ्रेंडली जो डिशेज़ हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है। अच्छा, एक चीज़ शेयर करना चाहती थी मैं फैसल के साथ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फैसल भाई सुनने के बाद मुझे ज़रूर जवाब देंगे। दुआ कर रहे हैं हम, और मैं चाहूँगी आज वो ये क्वेश्चन भी करें, हम दुआएं करते हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ हादसे से मैं गुजरी, और मैंने एक बात देखी कि दुआ हम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाजता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मांग रहे होते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही होती। और आप यकीन जाने, मुझे तब एहसास हुआ दुआ करना ही नहीं होता, दुआ करवाना भी होता है। एंड मैं उस टाइम पे यही कहती थी सबको कि मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। तो दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, जब कोई दूसरा आपके लिए दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी आमीन पे आपको वो चीज़ उससे नवाज देता है, और आफियत मांगा करें जितना हो सके। चलें जी, चिकन हो गया, चिकन में दही ऐड ऑन कर दिया गया है, जिंजर गार्लिक ऐड किया है पहले। अच्छा, जिंजर गार्लिक था जी, okay. वो जिंजर गार्लिक ऐड किया है। चिकन ब्राउन हो रहा है, उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दी गई है। अच्छा, गरम मसाले के अंदर मुझे छोटी इलायची भी नजर आई है अभी। जी जी, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, और जीरा है, और तेज पत्ता, उससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। पूरा साल इंतजार था मुझे 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा।
गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।